सत श्री अकाल सारिया नू साडे प्रेस साथी अज लुधियाना दे ईवीएम स्ट्रांग रूम्स दी दौरा करन लई मैं इत्थे आया सी और काफ़ी जगह मैं वेख लिया परसनली डीसी साहब अपना कमिश्नर साहिबान उस एरिया दी आरवा साहिबान नू नाल लेके उत्थे जड़े भी अरेंजमेंट्स खास करके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स माणयोग इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जड़े भी लग्या होया उसनों मैं फिर रिव्यू किया और सारिया जगह जड़े भी कमीशन की हिदायतें हैं थ्री लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। एक फर्स्ट लेयर CAPF की सिक्योरिटी, सेकंड लेयर स्टेट आर्मड पुलिस की सिक्योरिटी, थर्ड लेयर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सिक्योरिटी, CCTV कैमरा दी टोटल कवरेज, फायर टेंडर दी व्यवस्था और पॉलिटिकल पार्टीज दी नुमाइंदे उत्ते बैठने वास्ते व्यवस्था, ये सारिया दी मैंने वेखिया हर जगह अवेलेबल है। और कुछ जगह ते पॉलिटिकल पार्टीज दी नुमाइंदे जड़े भी है उत्ते उन्हां दे नाल गलबात कीता, वो सैटिस्फाइड है और वेख रहे इनफैक्ट जिहड़े भी डिस्प्ले लगे हुए उत्थे CCTV कैमरा दे वो वेख भी रहे हैं और कुछ अपने तरफ से उन्हां दा कैप्चर करके कैंडिडेट्स आपस दे विच भी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही टेक्नोलॉजी दा बहुत ही वधिया ढंग नाल यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन अते पुलिस वालों पूरा पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी दा किया गया है। और तुहाडे वालों अगर कोई सुझा सजेशन कोई इंप्रूवमेंट वास्ते सानू सप्लीमेंट करना चाहते हैं मैं वेलकम करता। नो फिर भी चूंकि तुसी फील्ड च रहिंदे हो ये बात तय है, साडे नालों तुहाडा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुंदा है ग्राउंड लेवल ते, क्योंकि असी जरूर हमेशा वेलकम करते हैं साडे प्रेस दे खास करके इनपुट्स बहुत वैल्यूबल हुंदा है, क्योंकि उस वैल्यूबल इनपुट्स नू लेके सिस्टम दे विच काफ़ी इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसनों हमेशा वेलकम कर दे, मैं तो खास करके वेलकम करता हूँ। हाँ जर्नलिस्ट वास्ते एक सेपरेट वो कर सकते हैं डी साहब, जिथे भी डिस्प्ले भी लगा दे, क्योंकि इस बार डिटेल थोड़ा मोबाइल ते आना है, तो तुहानू पता ही होगा एनकोर साडा ऐप है प्रोग्राम है, जिवें साडा नो यूअर कैंडिडेट उसी तरीका डिटेल्स ऑफ काउंटिंग भी थोड़े मोबाइल ते पहले आना है। असी जिवें जिवें एंट्री करते रहेंगे डिस्प्ले होना है थोड़ा मोबाइल ते, हो सकता है तुसी घर च बह के ही रिजल्ट दा डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि जिवें जिवें साडे RO साहिबान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनरल ऑब्जरवर साहिबान उन्हां दी टीम दी राही ये सिस्टम हुंदा है, जिवें उन्हां वल्लों एंट्री दी ग्रीन सिग्नल है उवें तुहाडा मोबाइल ते रिफलैक्ट होना है। हाँ जी, फिर सारिया नू तुहानू भी असी एक सर्टिफाइड पीपल है, दे कैन गो देखो। सिंपल सी बात यह है, पॉलिटिकल पार्टीज नू कदे भी असी डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही उस दिन उन्हां दा मानसिक स्थिति के हिसाब से हम लोग उन्हां नू मदद करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, प्रेस वास्ते इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाया गया, कुछ लोगों नू पास दिता जाएगा और बाकी पूरा बाहर डिस्प्ले तुसी जिन्ना भी चाहोगे उन्ना डिस्प्ले असी करवाएंगे, एक्स्ट्रा भी करा सकते हैं। पड़ेगी नहीं पड़ेगी दा मात अपन लोग ECA गाइडलाइंस ही देखना, क्योंकि असी उत्ते कुछ लोगों नू अवेलेबल जरूर करते हैं। नहीं, साडा तो सिर्फ गाइडलाइंस है, नहीं डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं करेंगे।
जिन्ना लोगों अवेलेबल है उसनों एज पर द इलेक्शन कमीशन। उस समय आपका जनरल ऑब्जर्वर्स भी आएंगे, क्योंकि देखो जनरल ऑब्जर्वर्स पावरा लिंचा जो थे एरिया की, वो सीधा इलेक्शन कमीशन नो रिपोर्ट करता है। अपा ट्राई करके आपको नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, एंड विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर योर फैसिलिटी। अभी तक तो हुआ नहीं यार, अभी फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। इसके पहले नॉर्मली हम लोग ट्रेंड्स देखते थे ना, इस बार आप ही ट्रेंड्स दो, यू योर सेल्फ डेटा आपके पास पहला आएगा, क्योंकि इट इज ओपन है। इलेक्शन कमीशन इस तरीके की व्यवस्था करती है। इस बार भी आप देखे होंगे कैंडिडेट जो भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं सारियों ने पहले पता चलता है, जो कुछ लोग की डेटा देने की वो प्रथा खत्म है, ऐसा कुछ है ही नहीं, इट इज़ ओपन टू ऑल। इस बार मैं यहाँ तक थोड़े नाल शेयर करना चाहते हैं कैंडिडेट्स के बारे में। पिछली इलेक्शन में दे मेरे को आके इन्फॉर्मेशन लेंदे से साडे प्रेस बंधु, इस बार कोई नहीं आया। KYC देख के मैनू कॉल कर रहे सब, इसमें ही आए तो उसे वेखे नहीं वेखे। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू प्रेस। टोटल ट्रांसपेरेंसी है। KYC इज ओनली हार्डली 15 सेकंड की ऐप है, उसके बाद यू आर द कंप्लीट इंचार्ज ऑफ द डेटा। अपना रिजल्ट का भी ऐसा ही है, रिजल्ट यू वुड गेट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। Yes sir, your apprehension and the suggestion is well taken, and we are fully geared up, especially cities like Ludhiana and where our urban conglomerations in Punjab, corporation areas, we have a special security plan for all these areas. As you have already seen during our elections also, commission has given us a huge number of companies, 700 companies force this time we have been provided with. It is unprecedented in fact. So such type of arrangements again we are putting in place. Our Punjab police, huge police is available, and commissioner sahab is there, our state police nodal officer, we all sit together and we see that we have another 5-6 days before we finalize, and we definitely take your input into consideration. It's not about the security there at the polling centers, but in city as well, because there are supporters who like... Yeah, obviously, I got your point. The security not only at the EVM, VVPAT counting centers or our election counting center, no. It is entire town, it is the city where these Vijay Julus and other things are there. But there are certain restrictions on all those things. Even the accounting procedure also come into force. Vijay Julus is also included in the expenditure. So candidates are well aware of these things, because they know that the limit of election expenditure, it is also is a huge point to be considered. Candidates will know is nukte nu bhi dhyan den di load pendi hai, jede bhi cheez kharcha karde hain, jede bhi cheez te kharcha karde hain unna nu pata hi hai, kyunki DC saab vallo aur te election expenditure observer saiban vallo candidates nu bahut hi vistar di naal unna nu sensitize kita gaya hai। जिहड़े भी प्रोसेशन जिन्ना भी हुंदा है वो सारिया अकाउंटिंग प्रोसीजर दे विच कवर हुंदा है, इस करके वो भी काफ़ी सेंसिटिव है। ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ लुधियाना दे विच छुटपुट घटनाएं हुई सी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सख्ती दे नाल पेश आई है, और उसके बाद मैंने लगता है लुधियाना में ज़्यादा शांति के नाल ज़्यादा इलेक्शन हुई है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। लेट अस मेक इट एज ए हिस्ट्री।
लेट अस ऑल ट्राई एंड मेक इट एज ए हिस्ट्री, क्योंकि ये सभी चीज़ को हम लोग हिस्ट्री में भेज देना चाहिए। लोग दे लाइक पीस, आप इलेक्शंस का जेडे वी ऐसी देखा है, इतना ज़्यादा पीसफुल इलेक्शन है, नॉट इवन ए सिंगल स्लैप एंटायर स्टेट में, 24,740 बूथ्स में जेडे वी इलेक्शन हुई सी, नॉट इवन ए सिंगल स्लैप इंसिडेंट रिपोर्टेड। सभी से सर, हाँ सारिया नु, चूँकि काउंटिंग सेंटर में वही पर्सन एंटर कर सकता है जिन्होंने अलाउड है, और कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे कई बार लाता पिछले वर्कर्स गैदर हुए, जैसे जैसे नहीं, रिजल्ट्स नहीं सर, कोविड भी है ना, हुण इस बार असी देखना पैंदा है, लोगों की सेहत भी साडा जिम्मेदारी है, हर चीज़ नु मुख रखना पैंदा है। हाँ जी, लेकिन द पॉइंट्स यू हैव रेज्ड, द इनपुट्स यू हैव गिवन रियली वेरी वैल्यूबल एंड वी वैल्यू देम अलॉट। सर एक जो ईवीएम के बाहर जो सुरक्षा आपने बोला कि बड़ी छिड़काई हुई है, जैसे आम आदमी पार्टी के जो वर्कर अभी भी बैठे हुए हैं, उनको डाउट है कि ईवीएम से कुछ हो सकता है ऐसा? ये बात उनकी तरफ से तो नहीं कहा गया, आपकी तरफ से अगर इस तरीके इनपुट है तो मैं जरूर लूँगा, क्योंकि हूँ मैं 4 विधानसभा ईवीएम स्ट्रांग रूम्स दी दौरा किया, चारों प्लेस से मुझे आम आदमी पार्टी का मुझे नुमाइंदे मिले उत्थे, एंड दे वर वेरी सैटिस्फाइड, एंड इनफैक्ट दे वर थैंकिंग एलाबोरेट अरेंजमेंट्स, इवन सीसीटीवी फुटेज इज अवेलेबल टू देम, दे आर वेरी हैप्पी। अगर आपके कोई इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है तो मेरे को जरूर बताओ, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर एनी क्वेरी, एनी सजेशन, नॉट ओनली मी, एंटायर टीम, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, आरओ साहिबान, हमारे एडीओ साहिबान, वी आर ऑल 24 आवर्स अवेलेबल है, एनीबडी कैन कॉल इवन ड्यूरिंग नाइट टाइम आल्सो। सर जो एक्सपेंडिचर है कैंडिडेट्स का वो भी साइट पे डिस्प्ले करते हैं या? सर एक्सपेंडिचर के लिए देर इज ए प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज दैट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपना दौरा करता है 3-4 बार, उनका एक रजिस्टर्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, वो हूँ चल रहा है, इलेक्शन के बाद फिर एक बार एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आवेगा, उस तो बाद फिर एंटायर रिपोर्ट उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दी पूरा जिले दी डीसी साहिबान रिपोर्ट भेजेगा मेरे को, मैं भी उसनों एक बार एग्जामिन कराँगा, उस तो बाद फिर इलेक्शन कमीशन असी पेश करेंगे। अफिडेविट दे है, अफिडेविट उन्हों जिन्ना भी एसेट्स है लाइबिलिटीज है वो देख सकते हैं। आने दो, फॉर एग्जाम्पल हूँ टेंट लाने वास्ते पैसा खर्च किया, तुरंत नहीं डाल सकते उन्हों का इशू भी अभी समझना पैंता है। इलेक्शन इज ऑल अबाउट वेरियस स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन, पोलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, प्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल, वोटर्स, आवर एनजीओस, ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल कम टुगेदर एंड दे रन दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फॉर ईच प्रोसेस देर इज़ ए टाइम लिमिट, सो अपना काले नहीं करना चाहिए, चूँकि कैंडिडेट भी चोन लड़ रहे, उन्होंने फैसिलिटेट करना है, कैंडिडेट्स नु असी फैसिलिटेट करना है, साढ़े काम है, मेरा काम है, डीसी साहब दी काम है, कमिश्नर साहब दी काम है, तोड़ा काम है, वो जेडे भी चोन दे विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने असी फैसिलिटेट करना है, एट द सेम टाइम स्टिक टू द टाइम टेबल। फॉर एग्जाम्पल लास्ट डे ऑफ विथड्रॉल ऑफ नॉमीनेशनस है, उस तो बाद 4 दिन दे विच पहली बार अखबार दे विच देना है, उस तो बाद और एक 4 दिन, उस तो बाद जेडे भी साइलेंस पीरियड तो पहला अखबार के उन्होंने जोड़े भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की रिकॉर्ड है देना पैंता है, अगर दिता नहीं दिता साढ़े को रिकॉर्ड आ चुका, जोड़े भी टाइम लिमिट्स दी गए हैं उसनों असी स्टिक करना है, बट एट द सेम टाइम किसी को परेशान नहीं करना, काले नहीं करना, फैसिलिटेट करना है, दैट इज द ओवरऑल आइडिया। हाँ जी सर,